जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए। छोटे जो अनुज लक्ष्मण जी हैं,
उनके प्राण संकट में है, वो नहीं बचेंगे। सभी घबरा गए। तब श्री राम के जो सेवक हनुमान जी है, उन्होंने कहा कि महाराज मेरा जन्म इसी काम के लिए हुआ है, आइए मैं श्री लक्ष्मण जी की जीवन बूटी लाता हूँ। क्या कहा? लक्ष्मण को बचाने की सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, ये पवन वेग से जाके ले आए संजीवनी बूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवनी बूटी। रघुपति राघव राजा राम सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव ढालो मेरे भगवान के लिए। और एक बार कहते हैं कि सभा लगी हुई थी, तो श्री राम के सभी सभागण बैठे हुए थे, तो कहते हैं कि हनुमान तू कहता है कि तू परम भक्त है इस श्री राम जी का, हमें तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आती हमें तुझ में कि तू श्री राम का पवन भक्त है, परम भक्त है हमें तो नहीं लगता। तो तभी श्री राम भगवान ने कहा कि ऐसी इसे हम अपना भक्त नहीं कहते, तो श्री हनुमान जी अपना सीना चीर कर कहते हैं ये देख मेरे मन में मेरे मन मंदिर में मेरे भगवान रहते हैं। क्या कहा? श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में।
श्लोक टाइप बोल बोल आप लोगों के बीच में बोलूंगी, आपको भी साथ साथ बोलना है, ठीक है जी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु ठीक है जी। बोलोगे आता नहीं है, कोशिश करूंगी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ख्यालों में राम सिया राम सिया राम जय जय। देखिए हम जन्म लेते हैं इस संसार में, अंत में क्या होता है, चार कांधों पे सवार होके जाते हैं और सबके मुंह में होता है ओम शांति। होता नहीं होता, अंत में भगवान का नाम ही साथ जाता है। आपने क्या कमाया कोई मायने नहीं रखता। वो चार कंधों पे जब उस अंतिम दर्शन को जाते हैं श्री राम भगवान परम पिता के, तो यही चलता है। कैसे राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम